चले भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हो भाई गोलू? ठीक हो? हाँ। आज जे रहे मैं उठा हूँ, बस उठ के जे रहे हम अभी जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के। तो चावल छोले पकड़ते हैं यहाँ की ब्रेक टाइम, भाई इनके ब्रेक टाइम के लिए। अच्छा बात सुनो गोलू, रात को सही थी आप भाई? रात इतनी इतनी, एक तो इतनी गर्मी थी, एक तो सारी रात बिजली नहीं आई, सुबह जाके आई, मैं सो नहीं सका। ये लोग मस्त मौत सो रहे थे ना। चले भाई, जैसे ही वापस आए हूँ तो इस बुद्धि पुरानी क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में पानी भरने को बोला गया है। तब यहाँ इसमें पानी वानी भरते हैं, और पीछे से मेरे बच्चे जो है ना बोल रहे हैं छोड़ो हमें, छोड़ो पापा डैडी हमें छोड़ो। तो अभी डैडी वैडी नहीं छोड़ रहे इनको, बाकी वो वहाँ खड़े हुए और हम यहाँ पता नहीं क्यों इसमें पानी भर रहे हैं। हाँ डैडी 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 छोड़े आपको? डैडी नहीं छोड़ेगा भाई, आजकल ये खराब हो गया भाई। ये मुर्गा, ये पहले मुझे नहीं मारता था, कल से ना मेरे पीछे भी भाग रहे है। ऐसे एक दो दफा इसने भागने की कोशिश की, अभी मैं भी डर गया इससे। और ये देखिए, अभी एक वीक भी नहीं हुआ, इतने सारे कपड़े जो है ना वो हो भी गए। मेरी वाइफ बोलती है कि भाई आप ज्यादा कपड़े इस्तेमाल करते हो, हर एक दिन में दो दो, कभी कभी एक दिन में मैं दो दो सूट भी चेंज कर लेता हूँ। तो भाई क्या कर सकते हो, जब रात जो जब लाइव में था ना आप लोगों के साथ, और उस टाइम बिजली गई थी, उस टाइम से अभी बिजली आ रही है। मैं तो रात को सोया नहीं था, बच्चे बच्चे वाइफ सो गई थी, तो वो मस्त मौल सोते ही रहे, ठीक है। और मैं जो था ना, मैं कैसे सोता ना, नींद आ रही थी ना कुछ, जो थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था वो लगाया, फिर जाके तकरीबन 3-4 बजे जाके मुझे ऐसे हल्की हल्की सी नींद आना स्टार्ट हुई है। और अब फिर उठ गया हूँ, अभी बच्चों को छोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है मोटर चलानी है, मुझे कहा गया तो मोटर चलाता हूँ। और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, फिट एंड फाइन है। और चलिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो है ना हमारा गर्मा गर्म सालन आ चुका है, और साथ में भाई ऑब्वियसली लस्सी तो होती है, लेकिन आज बिल्कुल कोई नहीं है, तो मैंने सिर्फ अकेला सालन यहाँ रखा है, जो अभी जाके किसी फ्रिज में रख के आएंगे। पहले नाश्ता कर लें, तब तक ये जो है ना इसको हवा शवा लग जाएगी, ये सेट हो जाएगा, फिर इसको जाके फ्रिज में रख के आएंगे। और लस्सी भी आज अकेला मैं और मेरी वाइफ पी रहे हैं, चाचू भी नहीं है, मदनी भाई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। तो चले इट्स ओके, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो भी वापस आ जाएंगे। तो चले भाई, सुबह उठ के नाश्ता किया, नाश्ते के बाद क्या बोलते हैं, मैं गया था ईंटों का पता करने, लेकिन ईंटों वाले जो है ना वो आज नहीं आएंगे, तो उस वजह से फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कल मिस्त्री को बुलाया, फिर मिस्त्री वगैरह को कॉल किया कि भाई आप कल नहीं आइएगा। और अब जो है ना मैं जा रहा हूँ बच्चों को लेने, और उसके अलावा जो वो हमारी वॉशिंग मशीन पड़ी है ना उसको बनाने में ना इतना मेरा टाइम सारा है, देखिए हाथ भी गंदे काले काले हो गए, अभी धोए हैं लेकिन काला जो है ना वो उतर नहीं रहा, तो बस इसका एंड है। अब जो है ना वो जो वॉशिंग मशीन है वो नीचे बैठती 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 जा रही है, और ये बस यानी ये लास्ट आज शायद धुलाई कर ले तो कर ले कपड़ों की, फिर उसके बाद तो इस वजह से। और चले इट्स ओके, देखते हैं अभी इसका भी कुछ करते हैं, अभी फ़िलहाल चलते हैं बच्चों को ले आते हैं क्योंकि टाइम हो गया। चले भाई माशाल्लाह बच्चे भी आ गए, आ जाओ भाग के आ जाओ। कैसी हो अबू बकर? अरे गोलू कैसी हो? एक लेकिन ये पकड़ो पकड़ लो। हाँ अच्छो, चलो ठीक है ठीक है। चली गई नानी के घर, वो दादा अबू भी आ गए, ओए ओए चाचू लोग भी आ गए, रास्ते में मैंने देखा था, ये देखो बाइक आई हुई है ना, तो चाचू आ गए। क्या पता किधर है दादा, बुलाओ बोलो दादा अबू, दादा अबू जोर से, दादा अबू नहीं उधर तो नहीं है, कहाँ है दादा? देखो वो आ गया दादा, मिलियो दादी से मिलियो, ये बंदा ठीक है। कल याद कर रहा था चाचू आपको जब कॉल किया आपने, और सही सलामत आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कॉल की थी उठाई नहीं, रास्ते में थे आए थे, और बच्चे नहीं आए? कौन से बच्चे? जो लेके गए थे यहाँ, वो तो छोड़ने गए थे भाई। अच्छा अच्छा चलो, मदनी भाई तो आए हैं, मैंने देखा है आपको रास्ते में। चलो माशाल्लाह, कहाँ गए मदनी भाई?
उधर रूम में। चलो चलो ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने जजू, तबीयत सेहत? पता नहीं कौन से इलाके में चला गया था, वो यू फोन की सिम क्यों थी, मैं तो चलना नहीं। चलो यहाँ तो है ना नेटवर्क। वाह जी जजू, कल वाली वीडियो मैंने ऐसे बना डाली, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। सही है जो भी चले, कंटेंट था ना? नहीं कंटेंट तो मैं नहीं चाहता हूँ, कंटेंट बना लिए है जो कंटेंट अभी नैना की बेबी का हुआ है जी। मैं वो भी लगा सकता था। सही है, कोई उथम मिल और भी लगा सकता था, मगर वहाँ मुझे ना कोई पता चला जो कौन किस पे कोई बात कर रहा, कोई पता नहीं चला। सही है वहाँ नेट ही नहीं चला। क्या हुआ, क्या किए? मारे भाई आप उधर से फारिग हो जाए, मुझे ये कमेंट सुनाए मेरी बेटियों की मेरी बहनों की। चले मैं आपको सुनाता हूँ, चले ठीक है। चले भाई अभी जो है ना मैं आ गया था यहाँ, तो इनको थोड़े से दाने डाले हैं और पानी भी इसमें डल गया आज मुझसे, तो चले ये खा लेंगे मस्त मोल मीठे चावल होके। ये भी है देखिए, ऊपर बैठ के आराम से मस्त मोल मीठे चावल खा रहे हैं, और बाकी जो है ना वो बाहर छोड़े हुए, और पंखा जो है ना हमारा चल रहा है यहाँ से, और वाइफ जो है ना वो बकरे शकरे वहाँ बांध रही है वहाँ से छोड़ के। वो देखें जी, ये देखें, ये है इसका एंड आने वाला है, देख रहे हैं ये इधर से ऐसे अब जा रही है, इसके अंदर होती है फूम होती है वो, तो अच्छा लास्ट धुलाई कपड़ों की कर लो, आप भी मदे कर लो। तो भाई मैं सो गया था और ये कुकड़ी आज ऐसे ही मैं छोड़ के सो गया था, क्योंकि भाई चाचू आए, चाचू सो रहा था, अच्छा वाइफ सो गई है, बच्चे सो गए, सब सो गए, मैं अकेला बैठा हुआ था। मैं भी झट मैंने कहा अभी मैं भी थोड़ा सा ना ऐसे लेट लूट के ना मले कर लूँ। अच्छा भाई काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई आप जो वो शॉप खाली खड़ी हुई है ना कहाँ रोड पे, वहां क्यों नहीं लगाते? भाई वहां जो है ना मैंने पहले सबसे पहले किराने की शॉप लगाई वहीं थी, ठीक है, वहां नहीं चलती भाई। वो वजह क्या है कि भाई यहाँ देखें साथ ये जो है ना ये यहाँ से लेके फ्रंट तक एक ही लंबी शॉप है पूरी, ठीक है, इनकी नहीं चली। आसिम भाई की ऐसे चल रही है कि भाई इनकी बहुत पुरानी है, तकरीबन 30-40 साल से है, ठीक है, पहले एक और इनके कज़न होते थे, फिर इन्होंने, तो भाई चंद एक शॉप्स यहाँ चलती हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने जैसे कल बताया था लाइव में आई थिंक बताया था कि भाई यहाँ होता है फसल वाले लोग हैं ना, तो यहाँ यूँ होता है 2-3 महीने की उधार पर वो लेते रहते हैं, फिर देते हैं, फिर लेते रहते हैं, तो वो सीन होता है। यहाँ छोटी मोटी शॉप जो है ना वो चलना बहुत मुश्किल है इस साइड पे, हमारी जो साइड है उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ 7 बजे के बाद आप देखोगे कुछ भी नहीं होता। मैंने काफ़ी बार दिखाया भी है कि कुत्ते वगैरह घूम रहे होते हैं, और इस साइड पे ज़्यादातर बाइक्स वाले जैसे ये फराज भाई वाले हो गए ऐसे लोग बैठे हो, यानी इन चीज़ों का यहाँ ज़्यादा ही है, और दूसरा जो कस्टमर है वो आता नहीं है। दूसरा कस्टमर जो होता है ना वो ज़्यादातर अड्डे वाली साइड जो है ना वहाँ। इधर मेरा लगाने का मकसद ये है कि भाई यहाँ जो है ना साथ में जो स्कूल है, स्कूल टाइम मुझे लग जाएगा उसमें से, मुझे अगर 100-200 मेरा बन जाएगा, यानी तो इस वजह से यहाँ लगा रहा हूँ शॉप, कि भाई स्कूल साथ में और बच्चे मोहल्ले वाले जो है ना वो भी ले लेंगे, तो ये सीन है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अच्छा काम हो जाए। हाँ आपसे पैसे लूँगा, बच्चों से भी पैसे लूँगा, तो चलें अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, घास लेने, क्या किसी काम की नहीं है। चलो अभी मैं जाता हूँ, क्या बोलते हैं, घास लेके आता हूँ। नहीं गोलू सो रही है, गोलू उधर सो रही है, वो देखें अभी बाइक का नाम लिया, वो देखें हले आ जाओ ये देखे बाइक स्टार्ट हुए कैसे उठी एकदम से, आ जाओ अब आ जाओ गोलू। ओ यार अबूबकर भी उठ गया, चलो आ जाओ दोनों आ जाओ। हेलो कैसी हो गोली पोली कैसी हो? अबे भाई जूता तो पहन के आओ, जूता जाओ हाथ मुंह धो लो फिर ले चलता हूँ, चलो जाओ जूता पहन के आओ। ये मेरा जूता पहनोगे? हैं जाओ जूता पहन के आ जाओ। जैसे ही आपका भाई सब्जी लेके आए तो आपके भाई को क्या बोलते हैं लगा दिया है काम पे, क्योंकि आज आपकी भाभी ने जो है ना सारा दिन कपड़े वगैरह धोए, हाथ पे ही धोए, वो तो चल नहीं रही थी इतना, एक आध सूट उसमें व्हाइट जो है ना वो धोया और बाकी सारे हाथ पे धोए, और अब जो है ना बर्तन यहाँ जो है ना वो सारे धो रही हैं, तो मुझे बोला है ये काटो, काट कूट के ना रखो, आज मकरूना बनाने का दिल कर रहा था तो मकरूना ले आया था मैं,
तो मैंने कहा वो थोड़ा सा खाते मत, जो है ना मैंने सब कुछ काट कूट के दे दिए। अब जो है ना आपकी भाभी जो है ना यहाँ बॉईल कर रही हैं और साथ में शिमला मिर्च वगैरह भी काट के दे दी थी। और गोलू जो है ना कुछ ये रही, ओ गोलू भाई ये देखें अभी चम्मच मारेगी। हाँ शेफ कितना देर है, हेलो ओए ओए खाने को कितना देर है, एक मिनट अभी चेक करोगी? अच्छा चेक करके बताओ। हाँ कितना देर है, एक मिनट। चलो ठीक है जल्दी बनाओ फिर जल्दी, मुझे भूख लगी है भाई। मास्टर हेलो शेफ हेलो, ये सारी तो खुद तो खा गए हो हाँ? हैं हैं शेफ, वही सुबह से लगा हुआ है खाने में, आधी से ज्यादा चीजें इसने खुद ने खा ली है भाई। कितनी देर है, एक मिनट का बोला था, अबे अभी अभी एक मिनट बाकी है यार, ये क्या बात हुई भाई। शेफ को हमने और काम लगा दिया, शेफ जो है ना हाँ ओ भाई शेफ हाँ ये इधर 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 देखो, अभी ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 हाँ चलो इसके अंदर 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 शेफ बस, तुम्हें अंदर ना बिठा दूं खुद? हाँ ठीक है बिठाता हूँ, आ जाओ। जिसको भी सफाई करनी हो ऐसे करते हैं, लेकिन गोलू को बिल्कुल आती है सफाई करने, बोले अंदर ही बिठा दो। चलो 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 चलो, बाद में एलर्जी होगी शाम को फिर मुझे मत बोलना ठीक है। अभी गोलू तुमने कपड़े पहने हैं? हो हो देखो अभी देखो हाँ ऐसे एलर्जी नहीं होगी। अच्छा चलो ठीक है भाई चलो 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 शेफ चलो, ये इधर इधर बात सुनो। हेलो कहाँ जा रही हो? वो उधर पहले उसके सामने रख दो। हाँ हाँ वो इधर हो, मुर्गियों को डालना इधर हो, इधर हो मुर्गियों को डालना इधर हो, दे दो मुझे दे दो, जूती भी पहनो। चलो छोड़ दो अब छोड़ दो। गाना गोलू, हाय हाय गोलू नहीं, नीचे 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 मुंह नीचे करो। अब ये कीड़ा बट नहीं, कीड़ा है काट लेगा गोलू। तो चलें भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना यहाँ मकरोना बन के रेडी हो चुका है, और इस बार जो है ना कुछ मैंने कहा ऐसे ही बनाइएगा। ये भाई आज इसकी टीचर ने इसको दिया कि रख देना सुबह लेके आना, और ये यहाँ क्या बोलते हैं अभी सबको सबकी टीचर बनी, ये उतारो कुछ नहीं था ऐसे था। अच्छा जी आज मकरोना जो है ना इसमें ना पहले जो वाइफ बनाती है ना वो बनाती है बिल्कुल ऐसे सूखा सूखा, तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं बनाओ आज, आज ऐसे नहीं बनाओ, मैंने कहा कुछ थोड़ा सा ना ऐसे ग्रेवी टाइप की लगी हो, मिसाला टाइप का लगाओ फिर मजा आएगा। हाँ अबू बकर कैसा है? पापा बोतल है। कौन सी? ये वाली। मुझे क्या पता आपको पता? दवाई है। हाँ दवाई है। तो चले भाई देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट ये एक प्लेट अबू बकर की भी खा ली, और यहाँ मदनी भाई भी आ गए। तो मदनी भाई सुबह सो रहे थे आई थिंक, या नहीं थे हमारे ब्लॉग में नहीं है, जब आए उसी टाइम सो गए, अभी उठ के आ रहे हैं। मदनी भाई कैसे हैं? काके को छोड़ के आ गए? ओए 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 ओए। और सुनाए मकरोना कैसे है, जबरदस्त है या ठीक है? और इस बंदे ने खाया नहीं है, क्यों नहीं खाया भाई? पेट फुल है, थोड़ा सा खाया है, पहले पूरा था भूख भूख भूख, अभी थोड़ा सा खाया फुल। और यहाँ गोलू जो है ये देखा अभी तक भी लगी है भाई, सबसे अच्छी गोलू है भाई, जो चीज वो खा लेती यूं मना नहीं करती। ये जो है ना बिल्कुल ऐसे फार्मी मुर्गे की तरह है, कुछ नहीं खाता, बस कभी बर्गर खा ले तो खा ले, बस इससे पूछो क्या खाना है, बर्गर खाना है, क्या खाना है भाई? हाँ ड्रामा देख कर। और भाई चाचू अकबर जो है ना अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ है वो, सुबह से गए हैं, जैसे आएंगे फिर उनको भी खाना चाना, पता है वो ये खाती है नहीं, वरना फिर उनके लिए जो है ना सालन गर्म करके रोटियां ले आऊंगा मैं, क्या बोलते हैं वाला। भी चाचू को याद कर रहे थे, चाचू आ भी गए। हाँ खोलो 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 खोलो, चाचू आ गए। तो चलें भाई अभी जो है ना खाना खाने के बाद हम आ गए हैं सब्जी की तरफ, और भाई सब्जी को देंगे अभी क्या बोलते हैं पानी, क्योंकि सब्जी जो है ना पानी उठा रहा हूँ भाई, सब्जी जो है ना हमारी सूखी सूखी सी ऐसे लग रही थी। इधर से आ जाओ ना आप अंदर जाओ,
मोटर को छोड़ दो, वो मैं चला लूंगा, आप इधर आओ, थोड़ी देर लगाओ, बाद में मोटर चलाऊंगा। चलें भाई सब्जी को पानी दे के जैसे आए हैं तो वाइफ ने जो है ना यहाँ क्या बोलते हैं कपड़े इस्त्री करना भी स्टार्ट कर दिए और काफी सारे मैं रख के आई हूँ। अब बाकी ये दो सूट रह गए भाई। हाँ ये है, हाँ अलमारी भी दिखाऊंगा भाई, तो भाई बोल रहे हैं अलमारी भी दिखाना। असल में इस वीक ना जो है ना मैंने सूट बहुत चेंज किया, पता नहीं क्यों गर्मी आ गई है ना, तो इसी वजह से ये देख रहे हैं सारे कपड़े प्रेस होके मेरे खड़े हैं और किसी के भी नहीं। चलो भाई सही आ गया। अच्छा जो एक और बात बताना भूल गया भाई, इस प्रिंसेस का और इस प्रिंस का जो है ना दूध भी खत्म था, तो आज दूध भी ले आया हूँ मैं। ओए 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 ओए। ये रहा भाई दूध 800 का। 800 है? हाँ। सही से देखो 20 20। ये 20 है? 1370 रुपए है। 1370 कितने? 1 मई। 1370 1 मई। इस 19 नहीं है भाई, 1300 है। अभी चली जाओ गोलू अपनी बेड पे, चलो अपनी चारपाई पे जाओ। ड्रामे देखे अभी इसके ड्रामे चेक करें। जाओ उसके दूसरे के देखे। हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ हॉस्टल वाले को, अभी आएगा आपको ले जाएगा। किसके साथ सोने? अम्मी के साथ। अम्मी उधर सोएगी उस चार पे भी। चलो चलो चले अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, और एंड करने से पहले आपको कुछ बताता चलूं कि चाचू जो है ना वो गुस्सा होकर रात चले गए थे। उसकी वजह ये है कि भाई चाचू ने बनाई हुई थी वीडियो, मुझे चाचू ने वीडियो में बुलाया भी है कि भाई इंस्टा बताओ, तो तब मैंने थोड़ी सी बातें सुनी है ऐसे, तो मैं तब पानी लगा रहा था वहां क्या बोलते हैं साइड पे पीछे प्लॉट वाली साइड पे, तो वाइफ ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि चाचू ने ना जो ऐसे वीडियो भी बनाई हुई थी निकाह के ऊपर। तो फिर मैंने चाचू से पूछा, मैंने कहा चाचू आपने वीडियो किसके ऊपर बनाई है, तो चाचू ने बोला मैंने ऐसे अपने निकाह और ये चीजें बताई हैं। तो मैंने चाचू को कहा चाचू मैं अपलोड नहीं करके दूंगा, मैंने कहा क्योंकि भाई देखिए हर बार यही होता है कि चाचू गुलाम मोहम्मद ही नहीं आते थे तो यही होता था, सब लोग मुझे फिर बाद में क्या बोलते हैं गलत कमेंट करते थे और बोलते थे भाई आप कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो। देखिए भाई सबसे पहली बात हर किसी को पता है कि व्यूज कैसे आने, क्यों आने और किस बात पे आने, और उसके अलावा भाई हर किसी का अपना चैनल है। देखिए मैं अगर किसी को थंबनेल लगा के देता हूँ तो थंबनेल ऐसे ही लगा के दूंगा जैसे वो बोलेंगे, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लगा के देता। चाचू अनवर के साथ जब था तो यही चाचू गुलाम मोहम्मद और ये सब बोलते थे कि भाई शहबाज लगा के देते हैं, शहबाज सिखाते हैं। भाई शहबाज अगर सिखाता है एक सोचने की बात है, शहबाज सिखाते तो भाई मैं खुद क्यों ना व्यूज कमाता, खुद डॉलर क्यों ना कमाता, मैं दूसरों को कमवा रहा हूँ, खुद क्यों नहीं मैं कमाता। ठीक है फिर चाचू गुलाम मोहम्मद ऐसे इधर आते थे और तो फिर सारी पूरी यूट्यूब पे ये हो गया कि शहबाज और ये इधर होते हैं तो ये लोग खराब करते हैं। अब चाचू अकबर का भी यही सीन हुआ है कि भाई देखें हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जो है ना वो वीडियो बनाता है, कोई किसी के कहने पे कोई वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि देखें मैं चले थंबनेल लगा के देता हूँ लेकिन अंदर घुस के मैं बोल तो नहीं रहा होता, तो वही बात है। तो लिहाजा गुरेज कीजिए और ऐसी चीजों से, और चाचू गुस्सा हो गए लेकिन अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह चाचू जो है ना वो वापस आ जाएंगे। वीडियो तो चाचू ने डाल ली है लेकिन बात यह है कि मैंने कहा ये क्लियर करता चलूँ, फिर बाद में मुझे ना कमेंट कोई आने लग जाएंगे भाई आपने ये सब, तो भाई मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद वीडियोज बना के व्यूज कमाऊँ, मैं दूसरों को क्यों कमवा रहा हूँ। खुद सोचे मैं इतनी मुश्किल से, आप देख रहे हैं कि हालात मेरे हैं, मैं इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं दूसरों को, अगर थंबनेल और ये मैं खुद नहीं फिर कर सकता, अगर मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ तो मैं खुद बनाऊं, अपने हालात अच्छे करूं, गाड़ियां लूं, दूसरों की तरह एक लाइफ गुजारूं, किसी की परवाह ना करूं, तो वो भी मुझ में है नहीं। और जब मुझे करनी होगी मैं खुद के चैनल से करूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत होगा जो बोल रहे थे कि भैया घर में बिठाए और बातें सिखा रहे, तो सिखा रहे तो फिर ऐसे तो आप पे जब इल्जाम लगे थे वो भी सच्चे थे अगर आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो तो। उसके अलावा अगर मेरे ऊपर ये बात साबित हो जाए जो जुर्म होगा मैं वो भरने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा जब मुझे बात करनी होगी मैं खुद बात करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी और को डॉलर कमवा रहा हूँ और खुद इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में, दुआओं में रखिएगा याद।